बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर लूप को हम लोग C++ में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप हम C++ में इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग एक स्टेटमेंट को चाहते हैं कि 30 बार और ज़्यादा से उससे प्रिंट करे, तो हम लोगों को उसको 30 बार या उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो वो जो स्टेटमेंट हमारा है एक बार लिखेंगे तो वो 30 बार 40 बार जितने बार हमारी मर्जी हो वो हम लोग उसको कंडीशन देंगे, वो हमारे लिए प्रिंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा इंटीजर और उसको मैं नेम दूँगा ए, इंटर। अभी मैं यहाँ पर फॉर और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा इनिशियलाइजेशन है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सेमी कॉलन दूँगा और फिर लिखूंगा ए। अभी मैं उसको कंडीशन दूंगा ए लेस देन और इज इक्वल टू 20 और फिर मैं सेमी कॉलन दूंगा और यहाँ पर मैं अपडेशन दूंगा अपडेशन ए प्लस प्लस। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर लूप के जो अंदर है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन दिया है, फिर अपडेशन दिया है, सॉरी कंडीशन दिया है और उसके बाद ये अपडेशन। अभी मैं इस लूप के अंदर लिखूँगा जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिखूँगा इस लूप के अंदर और यहाँ पर सी आउट ए इसके अंदर हाई एंडल। तो देखिए दोस्तों, अभी जो ये हाई है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए 20 बार ये प्रिंट हो जाए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो इनिशियलाइजेशन है इस पर आएगा, फिर उसके बाद वो देखेगा इस कंडीशन को देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू था तो ये आएगा ये हाई, इसको प्रिंट करेगा, फिर वो यहाँ पर आएगा अपडेशन पे, वो एक अपडेट करेगा, उसके बाद फिर आएगा कंडीशन पे और कंडीशन चेक करेगा। जब तक ये हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक ये अपडेशन चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल होगा तो हमारा लूप स्टॉप होगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग कंपाइल एंड रन करके तो यहाँ पर एक एरर आया है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 20 बार जो है वो प्रिंट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ आ सके। चलिए अभी फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखिए 20 बार जो मैंने ये हाई लिखा है ये 20 बार हमारा प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने लूप को यूज़ किया है और इसी तरह अगर हम लोग किसी स्टेटमेंट को चाहे कि उसको 30 बार 40 बार जितनी भी बार प्रिंट करे तो हम लोग यहाँ पर उसको कंडीशन देंगे और वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। तो वो हम लोग फॉर लूप के ज़रिए उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।